प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन के 21वें स्थापना दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पत्रकारों को सम्मानित किया गया। पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आमिर किरमानी ने कहा कि पत्रकार एक ऐसे योद्धा हैं जिन्हें न कोई वेतन न कोई कोरोना योद्धा की उपाधि, फिर भी पत्रकार जोखिम उठाकर हर एक खबर को कवरेज करते हैं, चाहे प्रशासनिक खबर हो, चाहे श्रमिकों के मामले हो, चाहे क्वारंटीन सेंटर की खबर हो, सभी खबर को पत्रकार बेबाकी के साथ अपने अपने बैनरों में छापते हैं और मीडिया चैनल के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराते हैं। इसी को लेकर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने आज एक कार्यक्रम आयोजित किया और कार्यक्रम में कोरोना योद्धा के रूप में प्रशस्ति पत्र देकर पत्रकारों को सम्मानित किया। इस मौके पर आलोक सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। आज हमारा प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन का 21वां स्थापना दिवस समारोह था, जिसमें हमने ज़िले के कुछ उदीयमान पत्रकारों और कुछ वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित किया है। आज पत्रकार जिन समस्याओं से जूझ रहा है और लोगों की समस्याओं को उजागर कर रहा है, शासन प्रशासन के सामने ला रहा है, अपनी जान पर खेल के काम कर रहा है, तो हमने ऐसे कुछ लोगों को बुलाया गया था। हालांकि बुलाया ज़्यादा लोगों को था, लेकिन लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के कारण ये कार्यक्रम काफ़ी बृहद स्तर पर नहीं आयोजित किया जा सका, लेकिन हम लोगों ने उनको फेस मास्क, फेस शील्ड और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया है और उम्मीद जताई है कि ये लोग जन समस्याओं को इसी तरह से शासन प्रशासन के सामने लाते रहेंगे। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट एसोसिएशन का 21वां वर्षगांठ थी। गिरीशन कुशवाहा साहब जो आज नहीं आ सके किसी कारणों से, उन्होंने इसकी स्थापना की और साथ में जो हमारे आमिर किरमानी हमारे मित्र भी हैं और सीनियर पत्रकार भी हैं, उन्होंने सभा के मतलब पत्रकारों को बुलाया और सम्मानित किया। इसमें मेन बात यही थी कि कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं, जिनके जिस तरीके से मीडिया अपना काम कर रही है, मीडिया है, पुलिस है, जो लोग भी अपना काम कर रहे हैं, उन लोगों को सम्मानित करने का एक आज उद्देश्य पर था। और पत्रकारों को, जो हमारे जूनियर पत्रकार हैं, सीनियर हैं, उन सभी को एक राय दी गई कि वो लोग अपनी मेहनत बेहद ईमानदारी के साथ काम करें और आगे बढ़ें।